नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं क्या था इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए आज के न्यूज़पेपर में, और साथ में देखेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, मॉडर्न डायनेस्टी कर रहे हैं हम, उसको कंटिन्यू करेंगे, क्विक रिविज़न करेंगे इन चीज़ों का जो हमने आज पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में देखेंगे कोई एक फेस्टिवल, और आप आज से स्टार्ट करेंगे टाइटल्स टू बिहार्स पर्सनैलिटी, जो बिहार के पर्सनैलिटी थे, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनको क्या टाइटल से नवाजा गया था। सो लेट्स बिगिन। सो द टॉप हेडलाइंस फर्स्ट, पटना टू बी मेड सोलर सिटी, ऑनलाइन सेल ऑफ बिहार्स खादी, ₹30 टू अवेल हर घर नल का जल, हाइक प्रपोज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी रेट, पंचायती इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड विद EVMs। So let's check out the description. So the first news is Patna to be made solar city. Under Patna Smart City Scheme, 21 government buildings will be installed with solar plate. तो देखिए, Patna Smart City Scheme जो है उसके अंडर 21 government building को install कर दिया जाएगा solar plate से। जब ऐसा हो जाएगा, सोलर प्लेट गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर हो जाएंगी, तो उनका जो डिपेंडेंसी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस पर डिपेंडेंसी उनका कम हो जाएगा कि खुद से जनरेट कर रहे हैं और खुद से उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्क हैज़ बीन अलॉटेड टू बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सो ये जो काम है ये किसको अलॉट किया गया है, ब्रेडा को। ब्रेडा का फुल फॉर्म है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रेडा, दिस टास्क मे बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ अप्रैल दिस ईयर। तो देखिए, अभी फेब आ गया है और मार्च अप्रैल, दो तीन महीने में ही ये, ब्रेडा ने बोला है कि ये काम करने के लिए इनको 3 महीने का टाइम चाहिए, और अप्रैल एंड तक ये काम, मतलब पटना को सोलर सिटी बना के ये लोग रेडी कर देंगे। नाउ दिस इनिशिएटिव विल नॉट ओनली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बट ऑल्सो कंट्रोल द पॉल्यूशन इन सिटी। पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर देगा ये। इट ऑल्सो विल डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए, जब एक बार सोलर प्लेट इंस्टॉल हो जाता है और उसी का एनर्जी हम उसी से जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसी का यूज़ करते हैं, तो हम ग्रीन हाउस जो गैसेस एमिशन होता है वो भी कम हो जाएगा, और क्या कम हो जाएगा, ये जो पोल्यूशन होता है, पटना अभी लीड कर रहा है पोल्यूशन में, तो इसको भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है स्मार्ट सिटी में पटना को सोलर सिटी बनाने का डिसीज़न, ये बहुत अच्छा है, जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएंगी, और गवर्नमेंट का जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी पे कि बाहर से मंगवाना है फिर उसको यूज़ करना है, तो ये हम खुद भी जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन सेल ऑफ बिहार्स खादी, तो न्यूज़ क्या है, टू प्रमोट खादी क्लोथ्स एंड वर्क्स ऑफ खादी वीवर्स, बिहार स्टेट खादी बोर्ड has come up with an idea to go online and sell the products and है। तो बिहार स्टेट खादी बोर्ड ने क्या किया है कि खादी जो क्लोथ बनती है बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनती है, जो खादी वीवर से बहुत मेहनत से खादी कपड़े बना पाते हैं, लेकिन ये जो हैं खादी वीवर्स, उनको जो मार्केट प्लेस है वो अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसके वजह से ये जो सेल है बहुत कम हो पाता है, तो इनका सर्वाइवल भी कभी कभी क्वेश्चन, मतलब ख़तरे में आ जाता है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने, इसको प्रमोट करने के लिए, बिहार स्टेट खादी बोर्ड ने डिसीज़न लिया है कि जो खादी क्लोथ है उसका सेल ऑनलाइन भी करेंगे। इसके लिए क्या है कि बिहार बोर्ड विल साइन एग्रीमेंट विथ अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट टू सेल क्लोथ्स डिजिटली। तो ये क्या होगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ का सेल एंड परचेज होता है,
तो वहाँ पे ये लोग बिहार स्टेट खादी बोर्ड भी रजिस्टर कर लेगा और वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके थ्रू सेल एंड परचेज हो पाएगा। ऑल्सो अमेज़ॉन विल प्रमोट क्लोथ्स सेलिंग इंटरनेशनली। तो ये क्या होगा कि अमेज़ॉन जो है अमेज़ॉन इंटरनेशनल मार्केट भी ढूंढने के लिए मदद करेगा, इंटरनेशनल जो डिमांड है खादी कपड़ों का वो भी फुलफिल करेगा, डिमांड एंड सप्लाई को ये अच्छे से प्रमोट करेगा। एंड दिस स्टेप विल डिक्रीज डिपेंडेंसी। तो ये जो खादी वर्कर्स होते हैं ये अपना मार्केट में अभी ऑफलाइन मार्केट में जब सेल करते हैं तो इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारे मार्केट में तो इनको बहुत जगह नहीं मिल पाती है कि कहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है या तो ये पहुँच नहीं पाएंगे, या तो अगर पहुँच पाते हैं तो वही जो एग्जीबिशन के थ्रू होता है तो इसमें ज़्यादा इनका सेलिंग नहीं हो पाता है, या भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो इनको फेस करना पड़ता है। तो ये जब ऑफलाइन से ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ खादी क्लोथ्स, तो ये इनको भी बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब मनी मनी दे कैन ईजीली अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे कैन लुक आफ्टर देयर लिविंग। नेक्स्ट, ₹30 अ वेल हर घर नल का जल। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस इज़ वन ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर 7 कमिटमेंट। तो गवर्नमेंट का जो 7 निश्चय है उसका एक एक निश्चय है हर घर नल का जल। तो अब क्या है न्यूज़, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद डिसीजन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज एट द कॉस्ट ऑफ ₹30 पर मंथ। तो ये जो विलेज है हर विलेज तक पानी, पीने का पानी और क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है। बिहार का पानी तो वैसे भी आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है, तो बहुत कम ही जगह पानी पीने का जो है वो हेल्दी वाटर मिलता है, प्योर वाटर मिलता है, सेफ़ वाटर मिलता है। बाकी जो अफोर्ड कर पाते हैं वो अपना RO से सिस्टम से काम चला पाते हैं, लेकिन विलेज विलेज एवरी विलेज तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया ये है कि ₹30 पर मंथ लेके वो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके वजह से वो क्या करेंगे कि एवरी ग्राम पंचायत हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द स्कीम टू बी सक्सेसफुल। तो ये जो हर घर नल का जल पानी पहुंचाने की बात की जा रही है तो इसके लिए क्या होगा कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो तभी जाके ये हर घर नल का जल हर जगह पानी जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो डिसीज़न है ₹30, ये क्या करेंगे कि विलेज में जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये मतलब मंथली ये कलेक्ट भी नहीं करेंगे। पेपर में ऐसा आया है न्यूज़ में कि ये मंथली नहीं कलेक्ट करेंगे, वंस इन 3 मंथ ये जाएंगे और विज़िट करेंगे और मनी कलेक्ट करेंगे। तो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं लोग। और अगर वो लोग नहीं दे पाते हैं, नहीं सबमिट कर पाते हैं अपना बिल, तो उनका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल प्रपोज़ किया है हर घर नल का जल। देखते हैं आगे। हाइक प्रपोज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रेट को भी अब 5% वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो लेट्स सी द न्यूज़। गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद डिसीज़न टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी रेट, इट मे बी ऑफ 5%। 5% का इलेक्ट्रिसिटी रेट में हाइक देखा जा सकता है। ऑल्सो स्पीडी इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड मीटर हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाई गवर्नमेंट। तो पिछले महीने हमने देखा था न्यूज़ में कि प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, ताकि पहले बिल सबमिट कर दें आप और जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं प्रीपेड, और हमारा जैसे प्रीपेड जैसे बैलेंस ख़त्म भी हुआ तो ये हमारा डिसीज़न होता है कि आगे उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, आगे प्लान लेना है कि नहीं। तो सेम सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जो पेमेंट होता है उसमें भी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है कि वैसे ही होगा। तो इसके लिए भी स्पीडी इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड मीटर के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि जल्दी से जल्दी आप जो है प्रीपेड मीटर उसका इंस्टॉलेशन कर दीजिए। नेक्स्ट, पंचायती इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड विथ EVMs। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पंचायत का इलेक्शन होता है, पंचायती इलेक्शंस होता है, उसके लिए भी अब EVM से ही होगा। ये ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मेथड है वोटिंग का,
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है कि ईवीएम्स विल बी बॉट एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड फॉर अपकमिंग पंचायती इलेक्शंस। सो नाउ दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं। ठीक है, तो 1804 में जोसेफ प्रिस्टली डाइड। इन 1804 जोसेफ प्रिस्टली डाइड। ही वॉज इंग्लिश केमिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ही वॉज ग्रामेरियन, ही वॉज एडुकेटर, ही वॉज थियोरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ग्रामेरियन, एडुकेटर, थियोरिस्ट तो नहीं, ऐसे कभी ऐसे नहीं आएगा कि जोसेफ प्रिस्टली के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं आएगा, तो इतना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो SSC या BPSC ऐसे एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी स्टेज में, प्रिलिम्स में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का डिस्कवरर कौन है। ठीक है, जैसे अभी DNA के बारे में पूछा था कि DNA को कौन डिस्कवर किया, वैसे ही पूछ सकता है कि प्रेस्टली हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो प्रेस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रिलिम्स ऑफ एनी एग्ज़ाम, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। नेक्स्ट सम फैक्ट्स अबाउट बिहार देखते हैं। अच्छा, तो हमने अब तक चंद्रगुप्त मौर्य तक देख लिया था, अब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जो उनके सन है उसके बारे में देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनका ये पीरियड है 298 BC से लेके 273 BC तक इन्होंने रूल किया, मतलब कितना हो गया, 25 ईयर्स का इन्होंने रूल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वो सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के डेथ के बाद बिंदुसार जो उनके सन थे उन्होंने ही सिंहासन संभाला था। द नेम ऑफ बिंदुसार मेंशन्ड इन ग्रीक टेक्स्ट इज अमित्रोकेट्स। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड अमृत घाटा विच मीन्स स्लेयर्स ऑफ फूज। तो देखिए, ग्रीक टेक्स्ट में भी बिंदुसार के बारे में लिखा हुआ है और उनका नाम ऐसे बिंदुसार ने लिखा हुआ है, अमित्रोकेट्स लिखा हुआ है, और एमिट्रोकेट्स जो है वो डेराइव हुआ है संस्कृत वर्ड से। संस्कृत वर्ड कौन सा है, अमृत घाट है। अमृत घाट का मतलब होता है स्लेयर्स ऑफ फोज, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार का ग्रीक नेम क्या है, एमिट्रोकेट्स, ये याद रखेंगे। फिर ड्यूरिंग बिंदुसार पीरियड India had good economical ties with West Asia. Also, he had friendly relations with Western Greek states. तो ट्रेड और कॉमर्स तो फ्लरिश करने लगा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, बट बिंदुसार के टाइम में क्या हुआ आके कि उन्होंने बहुत अच्छे इकोनॉमिकल टाइज़ बना लिए थे वेस्ट एशिया के साथ, वेस्टर्न ग्रीक स्टेट्स के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना लिया था। ही यूज़ टू टेक हेल्प ऑफ हिज सन इन सेवरल किंगडम रिलेटेड इशूज़। तो कभी कभी, क्योंकि इनके सन जो थे अशोक, वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, बहुत बहुत पावरफुल करेजियस थे, तो उनका उनको बचपन से ही ट्रेन करने के लिए भी, और उनको उनका यूज़ उनसे हेल्प लेते थे बिंदुसार अपना, किंगडम में जो कोई परेशानी है या फिर कोई काम है उसमें अपने सन अशोक का हेल्प लेते थे बिंदुसार। फिर ही डाइड इन 273 BC आफ्टर रूलिंग फॉर 25 ईयर्स, 25 साल इन्होंने रूल किया तब जाके इनका डेथ हुआ, और फिर अशोक आ गए, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द नेम ऑफ बिंदुसार मेंशन्ड इन ग्रीक टेक्स्ट इज क्या है, अमित्रोकेट्स, दैट इज डेराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड अमृत घाटा विच मीन्स लेयर्स ऑफ फोज। नेक्स्ट केमिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सो ही वॉज प्रेस्टली। विच सिटी इज टू बी मेड सोलर सिटी, सो इट्स पटना। देख लेते हैं आंसर, वही एमिट्रोकेट्स हैं, जोसेफ प्रेस्टली हैं ऑक्सीजन के डिस्कवरर, और पटना को सोलर सिटी बनाया जाएगा। अच्छा, बिहार में ही इंडिया का पहला फर्स्ट सोलर विलेज भी है, तो इस विलेज का नाम क्या है, विलेज का नाम है धरनी, ये बोधगया के आसपास है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सोलर विलेज है धरनी, ये भी ध्यान रखेंगे।
आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में देखते हैं क्या है। सो आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में है जितिया फेस्टिवल। जितिया फेस्टिवल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीवित पुत्रिका व्रत, ठीक है। इसका दूसरा नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। इट इज़ 3-day-long फेस्टिवल, 3 दिन का फेस्टिवल होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मदर्स, मतलब मदर्स ही सेलिब्रेट करेंगे जिनके पास, जो वुमेन हैं उनके पास बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो करेंगी। और वो इसलिए करती हैं कि अपने बच्चों को भगवान का ब्लेसिंग और वेलबिंग, उनसे उनका वेलबिंग हो पाए। फिर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन भोजपुरी एंड मैथिली स्पीकिंग रीजन्स ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड इन नेपाल ऑल्सो। तो जहाँ पे भोजपुरी और मैथिली बोलने वाले लोग हैं वो लोग ही मेनली इस पूजा को करते हैं, वही मदर्स लोग करती हैं। तो वो मिलते हैं कहाँ कहाँ, बिहार में भी हैं वो लोग, झारखंड में, यूपी में, बंगाल, ये तो इंडियन जगह है जहाँ पे जितिया होता है। नेपाल में भी जितिया देखा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ये सेप्टेम्बर में होगा जब अश्विन कृष्णाष्टमी आता है तब। अच्छा, इन दिस फेस्टिवल मदर्स एब्सटेन फूड एंड वाटर फॉर डे एंड नाइट। तो देखिए ये जो फेस्टिवल होता है इसमें जो मदर्स होती हैं ना तो फूड लेती हैं और ना ही वाटर लेती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फास्टिंग जिसमें फूड नहीं लेना है, पानी तो पीना है कम से कम, लेकिन ये जो जितिया होता है इसमें पानी भी नहीं लेना है। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा ही टफ़ हो जाता है ये वाला फेस्टिवल मदर्स लोग के लिए। लेकिन स्टिल ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा कल्चर है हमारा, तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइटल्स टू बिहार्स पर्सनालिटीज़, तो ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको देश रत्न भी बोला जाता है और उनको अजात शत्रु भी बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है उनको बोला जाता है लोक नारायण। विद्यापति जो मैथिली के पोएट हैं उनको बोला जाता है मैथिल कोकिल, और दूसरा नाम उनका है महाकवि, महाकवि विद्यापति उनको ऐसे टाइटल दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये टाइटल्स तो पूछता ही पूछता है, तो ये याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।